तो जय हिंद दीपिकन, कैसे हो? बढ़िया। तो आप लोगों को पता है कि अपना जो 01/2024 वाले एयरफोर्स इंटेक का रिजल्ट आ चुका है कल शाम को, जो कि रिजल्ट आया था 5 बजे के करीब। साइड वेबसाइट में काफ़ी ज़्यादा इशू देखने को मिला, वेबसाइट नहीं चली थी, लेकिन रात में 9 बजे के बाद वेबसाइट अपडेट हुई और उसके बाद अच्छे से वर्क कर रही है। तो आप लोगों सभी को पता है रिजल्ट में सबका मैक्सिमम सभी कैंडिडेट ने अपना अपना रिजल्ट चेक कर लिया होगा अब तक, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया इसलिए क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा है और भी एग्ज़ाम वगैरह लगे हुए हैं तो इसी के रहते हुए। तो चलिए बात करेंगे हम लोग कट ऑफ के ऊपर। बेसिकली जो मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी एक्स ग्रुप की बताई थी मैंने 30 नंबर के आसपास बताई थी, 30-31 रहेगी। तो जो कि आपको अभी देखने को मिला रिजल्ट में, एक्स ग्रुप की कट ऑफ ओनली 22 रही है, जो कि अनएक्सपेक्टेड है। मतलब कोई बता नहीं सकता कि फिर से वही कट ऑफ रिपीट हुई है। क्या सीन है, कितनी वैकेंसी एक्स ग्रुप की हैं अब इसका अंदाज़ा तो जो हम लोगों की इस 02/2023 वाले इंटेक की PSL आए और इनरोलमेंट आएगी तब अंदाज़ा लग जाएगा कि एक्स ग्रुप का वेटेज कितना है वैकेंसी में। तो इसी के साथ कट ऑफ तो सेम रिपीट हुई है। और वाई ग्रुप की जो मैंने कट ऑफ बताई थी कि 33.5 गई थी 02/2023 की, तो उसमें 3 नंबर प्लस माइनस कर लीजिए, 38 बताई थी मैंने, 33 से 38 के बीच में। तो अपनी कट ऑफ बिल्कुल एग्जैक्ट बैठी है, 37.5 गई है मेल की। एंड फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ की बात कर लेते हैं तो फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ गई है जो एक्स ग्रुप की 22 गई है एंड वाई ग्रुप की 31 गई है, जिसमें कोई भी मतलब कट ऑफ में तो वाई ग्रुप में थोड़ा चेंज आया, एक्स ग्रुप में सेम ही रही है। और गर्ल्स एंड बॉयज़ की एक्स ग्रुप की कट ऑफ बिल्कुल सेम रही है। तो चलिए अब कट ऑफ पे चर्चा हो गई, हम लोग बात करेंगे जो फेस टू जो आपने ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है स्टेज टू के एडमिट कार्ड के लिए, तो उसमें बहुत से लोगों को दिक्कत आ रही है कि डॉक्यूमेंट हायर एजुकेशन जैसे वो BSc या BCA या जो भी अपना हायर एजुकेशन वो कर रहे हैं वो परसुइंग में है, तो वहाँ पे अपलोड क्या करना है। तो वहाँ पे आपको अपना अभी 12th स्टैंडर्ड का मार्कशीट अपलोड करना है, उसको आप KB में कर लीजिएगा। साइज़ उसका 50 KB से 150 KB के बीच उसका साइज़ होना चाहिए, उसको आपको अभी अपलोड करना है, ठीक है। और किसी ने कुछ 10th के अपलोड कर दिया तो उससे उसका कोई लेना देना नहीं होता, वो एक फॉर्मेलिटी के तौर पर अपलोड करवाते हैं, वास्तव में उसका कोई लेना देना नहीं है। सबका एडमिट कार्ड आएगा, आप खाली पेपर ब्लैंक पेपर भी वहाँ पर अपलोड कर दोगे तब भी आपका एडमिट कार्ड आएगा, क्योंकि वहाँ पर कुछ चेक करने वाला नहीं बैठा, वो एक तरीके की फॉर्मेलिटी है जो वो लोग करवाते हैं, ठीक है। तो अब आपकी बात करते हैं फेज़ टू के ऊपर कि फेज़ टू कब से होगा हम लोग का। तो जो फेज़ टू है आप दिसंबर का मंथ तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, इस मंथ तो कुछ होना नहीं है। तो जो फेज़ टू है आपका जनवरी में होगा, जनवरी में सेकंड वीक अप्रोक्स बताया जा रहा है कि सेकंड वीक से फेज़ टू होगा, लेकिन मैं कोई डेट नहीं बता रहा हूँ, आप जनवरी में लेकर चलिए कि आपका जनवरी में 10 जनवरी के आसपास से फेज़ टू स्टार्ट हो जाएगा, एंड जनवरी तक जाएगा आपका फेज़ टू, जो भी 7-8-9 दिन चलेगा। तो इसी के साथ आपका फेज़ टू की अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, और सबसे पहले आप बचिए उन कोचिंगों से जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा मांगा जा रहा है फेज़ टू के रिगार्डिंग, या आपका ग्रुप डिस्कशन हम पास करवाएंगे या फेज़ टू की तैयारी करवाएंगे। फेज़ टू कुछ भी नहीं है, कोई भी कैंडिडेट जिसको बोलने का थोड़ा सा सही तरीका पता है कि कैसे बात करना है बस वो अच्छे से क्वालिफाई कर सकता है। कोई भी हिंदी मीडियम वाला कोई डरने की जरूरत नहीं कि फेज़ टू बहुत बड़ा हुआ है, मतलब उसके बिना कोचिंग के पास ही नहीं कर सकते, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी सिर्फ आपको फोकस करना है अपने फिजिकल के ऊपर, आपको अपने 7 मिनट में रनिंग कंप्लीट करना है, गर्ल्स को 8 मिनट में रनिंग कंप्लीट करना है 1600 मीटर, एंड पुशअप सेटअप स्क्वाट। बॉयज़ कैंडिडेट जो मेल कैंडिडेट है खासकर अपने पुशअप पे और पोस्चर और होल्ड का ज़रा ध्यान रखें, होल्ड करके पुशअप लगाएं। तो अपना फिजिकल स्टैंडर्ड आप मजबूत करिए, एंड आपको GD के लिए आगे वीडियो में बताता रहूँगा कि कैसे क्या तैयार करना है। अगर आपने जो चीज़ मैंने बताया इसको फॉलो किया तो GD में पास होने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है, कोचिंग और जब एकेडमी में पैसा बर्बाद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आस्क कीजिएगा, एंड सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड जय हिंद।